मेरे सिस्टर इन लॉ भी मेरे को बहुत टॉर्चर करे, गाली गलौज करना शुरू करे थे, मारते थे, बहुत ज्यादा जुल्म करे मेरे ऊपर। और ये मोहम्मद हबीबुद्दीन खान जो इनके वालिद साहब है, इन्होंने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे थे। बहुत बार मैं अपनी जान बचाई सो हूँ घर में। शादी होके मेरा 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल की बेटी है मेरे को, अभी तक मैं मेरे माँ के घर में हूँ। बहुत मुश्किल से मैं 6 महीने उनके साथ रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है, मैं चंद्रनगुटे की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2021 में हुई थी मोहम्मद अबू बकर खान से। ये है देखिए मोहम्मद अबू बकर खान। शादी होके मेरा 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल की बेटी है मेरे को, अभी तक मैं मेरे माँ के घर में हूँ। बहुत मुश्किल से मैं 6 महीने उनके साथ रही। शादी से पहले तो बोले कुछ लेन देन जहेज नहीं चाहिए बोल के, उसके बाद धीरे धीरे सब टॉर्चर करने शुरू करे मेरे को घर पे। मेरे सिस्टर इन लॉ भी मेरे को बहुत टॉर्चर करे, गाली गलौज करना शुरू करे थे, मारते थे, बहुत ज्यादा जुल्म करे मेरे ऊपर। और ये मोहम्मद हबीबुद्दीन खान जो उनके वालिद साहब है, इन्होंने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे थे। बहुत बार मैं अपनी जान बचाई सो हूँ घर में। इन इनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं अभी। तो इस बारे में आप किसको भी नहीं बोले, फैमिली में आपके हस्बैंड को या सास को किसी और को? जी मैं सबको मालूम है ये सब चीज, मेरे ससुर ऐसा कर रहे सो टॉर्चर कर रहे सो, ये मेरे हस्बैंड को भी मालूम है ये चीज, और खानदान में भी सबको मालूम है। कई बार हमारे घर में मीटिंग्स भी बैठी है ये चीज के लिए, 3 साल में कई बार मीटिंग बैठे। अभी मैं केसेस भी डाली, ये केसेस डालने की वजह से बोल रहे कि मेरे वालिद के ऊपर केसेस डाले, सबको मालूम हो गया मेरे डैडी आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे, ये वजह से मैं आपको निकाह में नहीं रखता, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कर देता हूँ, ऐसे ऐसे बातें कर रहे। 2 साल से मैं मेरे माँ के पास हूँ, ना मेरे को खर्चा देते ना मेरी बेटी का खर्चा देते उन लोग। अभी मेरे को बोलते हैं कि मैं और एक शादी कर लेता हूँ, कोर्ट में बोल रहे, फोन आ करके बोल रहे शादी कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ शादी कर लो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा जो हक है मेरे को वो हक तो मेरा दो, जो बेटी का हक है वो तो अदा करो, ऐसा नहीं बोलते। और मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, फर्स्ट वाइफ के साथ भी उन लोग ऐसे ही करे बोल के सुनने में आया, तो उन्होंने खुला ले लिए, उन्होंने खुला ले लिए। हम इंक्वायरी नहीं करे थे क्यों ये फैमिली में है मैटर बोल के, हम लोग नहीं करे थे इंक्वायरी। मतलब आपके रिलेशन में होना है ना? जी हाँ हमारे रिलेशन में होना है। मैं कुछ हम हमारे मेरे घर में डैडी नहीं है, मेरा छोटा भाई है, तो हम इंक्वायरी नहीं करे। धीरे धीरे शादी के बाद मालूम हुआ कि फर्स्ट वाइफ को क्यों छोड़े उन लोग। अभी मेरे साथ भी उनके डैडी ऐसे ही करे, घर में उनके मम्मी डैडी सब गाली देना, बहुत ज्यादा हरासमेंट करे सो है मेरे ऊपर। तो आप क्या चाह रहे हैं फिर, मतलब उनसे कुछ खर्चा लेना चाह रहे हैं या खुला लेना चाह रहे हैं या उन्होंने छोड़ना चाह रहे हैं आपको, क्या है मैटर? मैं उनसे कुछ डिमांड तो नहीं रखी, बस मैं खुला चाहती हूँ। क्यों बोले तो उन लोग, अभी मैं बस ये चाहती हूँ मेरी बच्ची का जो हक है उसको हक दिला दो, और मुझे खुला चाहिए। क्यों मैं, मेरे को ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं करना है जो वालिद ऐसा करने के बाद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिए। उनको सब चीज मालूम है, उनके फैमिली वाले घर में सामान पहले तो शादी से पहले बोले कि कोई जहेज चीज नहीं चाहिए बोल के, धीरे धीरे सब चीज के लिए टॉर्चर करे। मेरे मम्मी सब चीज कैसा भी करके देते गए, एडजस्ट करे, फिर भी उन लोग नहीं सुने। अभी मेरे को रखते पर और एक एक शादी करते, और एक एक शादी करते बोल के ऐसा मेरे ऊपर हरासमेंट कर रहे। तांडूर के रहने वाले हैं ये लोग, इन्हों बच्चियों को देख रहे घर में। ये देखिए सबके सामने बोल रहे कि मेरी कोई शादी नहीं हुई, अभी तो मैं निके में हूं इनके, खुला डिवोर्स कुछ भी नहीं हुआ हमारा। ये इंसान के लिए और एक एक लड़की ढूंढ रहे शादी के लिए। ये फोटो बताने का मेरा एक ही मकसद है, अपनी बच्ची की जिंदगी प्लीज कोई भी मत खराब करिए। ये लोग टारगेट कर रहे, जो घर में जेंट्स नहीं रहते, गरीब घर के बच्चियां जो रहते ना, जो टांडूर में खास तौर से इन लोग टांडूर को टारगेट करे, ये टांडूर के रहने वाले हैं। अभी तो इन लोग शेखपेट टोली चौकी के पास, हुसैन शाहवली की दरगाह के पास रहने वाले हैं। 4 फ्लोर बिल्डिंग है, हमारा बच्चा पैसा वाला है कमाता करता बोल के ऐसा झूठे झूठे बात करके लोगों को फंसा रहे सो है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी बच्ची की जिंदगी मत खराब करिए प्लीज। ये लोग बहुत बुरे हैं, मेरी बच्ची का खर्चा भी नहीं दे रहे। मैं बस इनसे खुला लेना चाह रही हूँ, खुला भी नहीं दे रहे मेरे को। 2 साल से मेरी माँ के पास हूँ मैं।